एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा आ गया मेरा, अब कुर्बानी करेंगे, काटते ऐसे नहीं बोलते। जिल और ओरहान दोनों ही एनिमल लवर हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारा बकरा। ये इयर्स हैं मम्मा, और ये है ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखता है ताकि कोई एनिमल आए तो वो उसको मार दे। मम्मा मेरे मार दे रहा है उसे। अगर आप परेशान करोगे तो, अगर परेशान नहीं करोगे तो नहीं मारेंगे। ईद की नमाज पढ़ी है ये लोग? नमाज हो गई है लोग की? ईद मुबारक। क्या है, किसका है? किसका है ये? हाँ मिंटू, हाँ आ गया, भेज दूँ। ये सब हटा देंगे अभी। बालकनी में प्लांट्स है ना, इसलिए नहीं बांधा हमने, इसलिए इसको यहाँ रूम में रखा है ना। और फिर बाहर गर्मी हो रही है ना, उसको गर्मी लगेगी, यहाँ पे एसी ऑन है। पिला दो पानी। पानी किस में पिलाएंगे? मग में पिला दीजिए। प्लांट्स खाता है? आप खिला दो। बिल्ली नहीं, गोट है ये, बकरा गोट। ओरहान ओरहान इतना पास नहीं जाओ। बालकनी में पता है प्लांट्स है ना, इसलिए नहीं बांधा। हाँ मैं आपका वीडियो ले रही हूँ। जी ओरहान, किसका बकरा है? मैं वीडियो बनाऊँ? मैं बना रही हूँ। अच्छा लो, तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ कलेजी, क्योंकि कुर्बानी वगैरह सब हो गई थी। तो अब ये था कि कलेजी को बनाना था, तो मसाले वाली तो कलेजी बाद में बनाएंगे। पहले मैंने कहा चलो आप भी टिक्के बना देते, क्योंकि उतना किसी का दिल भी नहीं था ज़्यादा, तो ये थोड़ा उतना हैवी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ना कलेजी को वॉश करके उसमें कट कर लिया, और उसमें सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, चाट मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, ये सब डाल के ना अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर उसको आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए रख दो, तो मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए रखा। और फिर यहाँ पे ना दो तरीके से ड्राई अच्छा लग रहा है, ये फ्राई किए और ये रोस्ट किए। नींद में हूँ, देखिए कल इनका एग्ज़ाम था और आज ईद है, और ये बेतहाशा नींद में है। एक्सप्रेशन ये अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा मेहनत वाला अच्छा लग रहा है, तो खा लो ना, अच्छा लग रहा है तो। अरे खा लो ना, फिर और कर रही हूँ। बना लो पहले। पागल हो क्या, गरम गरम खाओ, मैं बना रही हूँ। मैं फिर यार अभी फ़ोन पे बात। और यहाँ पे कुछ टिक्के ना मैंने माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे इसको ग्रिल किया था, ये भी बहुत अच्छे बने थे। कहाँ जा रहे हो? ईद मुबारक। आप दोनों कहाँ जा रहे हो, पापा के साथ? हाँ ये लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने। ईद मुबारक बोल दो रहान। ईद मुबारक। आप लोग कहाँ जा रहे हो पापा के साथ? कहाँ जा रहे हो आप लोग? ईद पर फ्रिज का हाल कुछ ऐसा, इसमें शीर है और
ये छोले उबले हुए रखे हैं और कलेजी है उसमें, कलेजी मैंने बनाई थी और ये दाल है और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब सबके फ्रिजेस ऐसे ही फुल हो रहे होंगे और ये नहीं दिखाऊंगी, इसमें पता ही आपको क्या होगा। हाँ, हो गई है मटन की यखनी तैयार। ये देखिए, मुझे अब टाइम मिला है और मैं अभी रात के डिनर के लिए बना रही हूँ बिरयानी। कुकर को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि इसमें मैंने यखनी बनाई थी और इसमें ही हल्का सा वॉश करके अब मैं बनाऊंगी बिरयानी। बन रही है मटन बिरयानी और ये मटन यखनी पुलाव, बट हम लोग तो यार ऐसे ही बिरयानी कहते हैं। और ये है यखनी, यखनी भी रेडी हो गई है। ये आजकल ये इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो भाई आप पहले ही करके रख लो ताकि आपके काम आसान हो। और ये देखो, मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें और प्याज व्याज कट कर ली है। अब बनाएंगे, कोशिश करूँगी रेसिपी शेयर कर दूँ अगर हुआ तो, लगता तो नहीं है इसमें। अब वालेकुम, ईद मुबारक आप सभी को। अब जाके मुझे फुर्सत मिली है 8 बजे और ये लोग अभी गए हुए हैं गोश्त वगैरह बांटने के लिए और काफ़ी टाइम 2 घंटे हो गए गए हुए, अभी तक नहीं आए हैं। और हम भी गए थे बट ये सो गए थे, तो फिर एरिस को हमें ले गया और अभी जो बहुत दूर जगहें हैं ये लोग वहाँ गए हुए हैं, वो तो साथ में है। और हाँ, ईद मुबारक बोल दो। आप सो गए थे? आज की बकरी, आज की कुछ ऐसी रही कि पूरा दिन किचन में रही हूँ मैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ये यहाँ देखिए, मैं व्लॉग बना रही हूँ बट ये पेपा पिग, ये आजकल का ना ऑब्सेशन है ओरहान का, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसको थोड़ा सा ना वॉल्यूम डाउन करते हैं सो दैट आई कैन टॉक। तो अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ, डिनर के लिए तैयारी कर दी है, यखनी बना ली थी, बस अब मैं बिरयानी भगाऊंगी। भगाना मीन्स मतलब सब स्टार्ट करना। तो यखनी, मटन यखनी बिरयानी बन रही है। दोपहर में बनाया था कलेजी और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो रहा है, 4-5 दिन की तबीयत भी ठीक नहीं है। और बट काम तो करना है, इस बार मम्मी भी नहीं आई, पापा भी नहीं आए, तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट करनी तो पड़ेगी ना, कुर्बानी फर्ज है और हमेशा से होती आ रही है। तो बस यही है कि गाइस, कुछ टाइम से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है, कुछ पर्सनल रीजंस थे जो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो अब ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। और ईद बस ऐसे ही रही, पूरा दिन किचन में, क्योंकि बकरीद पे तो यार ये होता है कि उतने गेस्ट भी नहीं आते, सब लोगों की यहाँ कुर्बानी होती है, सब अपने अपने घर बिजी होते हैं। देखते हैं इंशाल्लाह कल कौन आता है। कुछ फ्रेंड्स हैं फयाज के जो अभी डिनर पे आएंगे, तो बस थोड़ा बहुत उनके लिए एहतमाम, बाकी मैंने तैयारी सब करी हुई थी। जी देखिए, मैंने वॉल्यूम डाउन कर दिया है तो इनको सुनना है। क्या देखना है, क्या देखना है आपको? हाँ, नीचे जाना है तो शो क्यों गई थी, तभी तो आपको पापा ने छोड़ दिया। बस ये ना मीठी ईद है, क्योंकि मीठी ईद है तो बस पूरा दिन गोश्त गोश्त, दिमाग खराब हो गया यार सच में। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, ईद मुबारक आप सबको, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और देखिए, ये मेरी स्टूडेंट ने ना मुझे इंस्टेंट हिना ला के दी थी परसों, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला लगाने का, तो अभी मैंने नहाने के बाद इसे अप्लाई किया और देखो यार सिर्फ 5 मिनट में ही आ गया कलर, और सच में मेरे पास टाइम भी नहीं था और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने इसे अप्लाई किया, बहुत अच्छी लग रही थी, आप बता रहे कैसी लग रही है। तो अभी बस चलते हैं बिरयानी बनाते हैं और बनने वाले हैं। ईद मुबारक बोल दो सबको। अच्छा।
चलिए बनाते हैं आज शाम की दावत के लिए मटन स्टू, जिसमें ना सबसे पहले मैंने 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से, मटन के हिसाब से मैंने यहाँ पे 6 से 7 मीडियम प्याज ले लिए हैं रफली स्लाइस करके खड़े, गरम मसाले ले लिए, तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्चें, और साबुत लहसुन लेंगे, साबुत सूखी लाल मिर्च लेंगे, और मटन को धो के इसमें डाल देंगे, पानी डाल देंगे और फिर लिड लगा देंगे प्रेशर कुकर की। और हमें ना 3 सीटी लेनी है हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम फ्लेम को हल्का कर देंगे आंच को और 10 मिनट तक गलने देंगे, तो देखेंगे उसके बाद प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो मटन काफ़ी अच्छा गल जाता है इतने टाइम में। और बाकी फिर आपको तो अंदाज़ा होगा ही अपने प्रेशर कुकर का, लेकिन ये जो अंदाज़ा मैंने पता है एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए मटन एकदम टेंडर हो चुका है, प्याज भी अच्छे से गल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें ना मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, तो मस्टर्ड ऑयल में ही ये ज़्यादा अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने 1 मीडियम प्याज को यहाँ पे स्लाइस करके यहाँ पे डाल दिया, और इसको ना हमें हल्का ब्राउन करना है। तो जब ये हल्की सी ब्राउन होने लगेगी ना, देखो कलर चेंज हो गया, उसके बाद आपने ना 6 से 7 हरी मिर्चें इस तरीके से कट करके डाल देनी है इस टाइम पे, और फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे यहाँ पर, और हमने साबुत लहसुन तो वैसे भी हमने जब मटन बॉईल किया था तो हमने डाला ही था, और इसको अब हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्ची महक है वो निकल जाए। और उसके बाद ना हम इसमें डालेंगे जो मटन बॉईल किया हुआ है वो डालेंगे, तो पहले ना हम सिर्फ पीसेस डालेंगे, उसका जो पानी है वो नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से पीसेस को मैंने अलग कर लिया है और वो हम डाल देंगे इसमें। तो सारे पीसेस इस तरीके से डालने के बाद ना आपको अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और चला देना है। और जो हमने साबुत लहसुन उसमें डाला था ना, तो वो थोड़ा मोटा मोटा होगा, तो आप उसको ना चम्मच की हेल्प से मैश कर दोगे तो उसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, और वो आप इसमें डाल दो, बहुत ही टेस्टी बनता है ये स्टू। आप इस तरीके से बनाना, और बहुत जल्दी भी बन जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। वो ज़्यादातर क्या होता है ना, हर कोई मसाले वाला बनाता है, तो मसाले वाला ना बना के आप ये वाला बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है खाने में, लाइट रहता है, उतना ये नहीं होता कि हैवी है, उतना हैवी नहीं होता क्योंकि इसमें कोई मसाले नहीं है, सिंपल हरी मिर्च का स्टू बनता है ये कुछ गर्म मसालों के साथ। और फिर ना इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया था क्योंकि ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा नमक बढ़ जाएगा। अब ये अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम डालेंगे दही, तो दही मैंने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम दही लिया, उसको अच्छे से ना फेंट लिया। आप फेंट करके डालना, कभी भी किसी करी में आप दही डालते हो ना तो उसको फेंट के डालना होता है, नहीं तो ना ग्रेवी अच्छी नहीं दिखती, वो फटी फटी लगती है। दही डालने के बाद ना हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और यहाँ पे फिर मैंने काली मिर्च का पाउडर बना के रखा था वो भी डाल देंगे, और उसके बाद ना अच्छे से इसे भूनेंगे। तो अब मेन स्टेप ये है कि हमें ना इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, जितना अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें काली मिर्चों का और गरम मसाले का। तो ये अच्छे से ग्रेवी भी, क्योंकि प्याज तो ऑलरेडी बॉइल्ड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसको ना आप रख दीजिए 5 से 6 मिनट ऐसे कुक होने के लिए, उसके बाद आप लिड हटाकर देखोगे तो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, रोगन ऊपर आ गया है यानी कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी ही अच्छा बनता है टेस्ट में, बहुत ही लजीज लगता है, तो ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। और उसके बाद ना हमने इसको और 5 से 6 मिनट भूना, और उसके बाद आप इसको गार्निश करो हरे धनिए की पत्ती से, बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को और ज़रूर बनाना। तो उसके बाद चलिए ये बन चुका है, अब इसको सर्व कर लेते हैं, एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है मटन स्टू, और यहाँ पे साथ में ही ना बिरयानी की भी तैयारी हो रही थी, तो बिरयानी मैं बना रही हूँ, मैंने यखनी बिरयानी तो बनाई थी, और साथ में ना ये यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये मसाले वाली बिरयानी, तय वाली बिरयानी, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता, फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है बट दोबारा शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बनाई थी मसाले वाली बिरयानी, और ये था दस्तरखान, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सबको लगा खाना, सबने बहुत ही इंजॉय किया, और ये मैंगो डेजर्ट बनाया था मैंने, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मेरा भी ले लिया, आपको तो पहले ही लूँगी। अच्छा।
तो यहाँ पे सबके जाने के बाद हमने सोचा कि एक दो पिक्चर क्लिक कर लें, लेकिन बच्चे इतनी मस्ती के मूड में थे क्योंकि बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने भी, बहुत बातें की सबके साथ, खूब गपशप की और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और यहाँ देख सकते हैं कितनी थकान दिख रही है ईद की। और पता है इसी टाइम ना मेरा फ़ोन भी गिर के टूट गया था, तो इसीलिए मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट है अभी। तो आई होप आप सब समझ जाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी न्यू ब्लॉग शेयर करूंगी। तब तक दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।